So, hello everybody, good morning, and today is 1st of February, and it's just a random reminder for all of you that you just have 3 months left for your NEET 2024. Right now, I need to go to the class, but before that, I just wanted to share some things with you. First is about my last video, which I will appreciate in the next video mein aapko appreciate karungi for giving so much love to it. But right now, I just want to tell you कि टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है. यू गाइज मस्ट बी पैनिकिंग वॉचिंग मैनी वीडियोज़ जो कि बता रहे हैं 3 मंथ स्ट्रैटेजी के बारे में, है ना. ऑल यू नीड टू डू इज़ जो कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे वीक हैं उन कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, जो स्ट्रांग हैं उनको छोड़ना नहीं है, साथ साथ में रिवाइज करते रहना है, ठीक है. वन टॉपिक एट अ टाइम, मगप मत करना, ठीक है. अभी बहुत टाइम है, जेन्युइनली बहुत टाइम है. ऐसा लग रहा होगा यार 3 ही महीने बचे, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत होते हैं 3 महीने, 2 महीने भी घिस के मेहनत की तो हो गया था ना. मतलब हो जाता है 2 महीने भी करने पे, तो तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है. ढील नहीं छोड़नी है, थोड़ा सा कंसिस्टेंट बने रहो यार. गाने वाने सुनो, अभी टाइम है. 1 महीना तुम आराम से रिलैक्स होके चलो, गाने वाने सुनो, पढ़ो भी, ठीक है. अभी टीचर्स तुम्हें टाइम देंगे तो उन टॉपिक्स पे फोकस करो जिससे तुम डरते हो, ठीक है. फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी सेम, बायो में भी सेम, ठीक है. डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत ही जल्दी बनाऊंगी, बट अभी के लिए जो भी तुम्हारा करंट चल रहा है ना यार, उसको अच्छे से क्लियर कर लो. जो भी जिस टॉपिक का जो टीचर है उनके पास में जाओ, बोलो सर प्लीज़ मेरे को एक्सप्लेन कर दो. अभी काफ़ी टाइम है, वो एक्सप्लेन कर देंगे. यूनिट टेस्ट शुरू हो गए होंगे तुम्हारे, पार्ट जो 4 पार्ट्स हैं उसमें करना क्या है. मान लो एक पार्ट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तुमसे सारा नहीं हो रहा, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स कर दो, 2 बाद के लिए छोड़ दो, ठीक है. लेकिन उन 2 को बढ़िया तरीके से कर लो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट बारी ये रिपीट होगा ना, ये 4 के बाद में फिर से शुरू होंगे कंबाइंड, ठीक है. तो उसमें एटलीस्ट तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा कि तुमने कुछ तो किया है, क्योंकि जब 4 टॉपिक्स आते हैं टाइम सफिशेंट होता नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाता. मैं इस 4 में से, इस 1 में जो 4 आते हैं उनकी बात कर रही हूँ, उनमें से एक बार के लिए सिर्फ 2 अच्छे से करके जाओ, ठीक है. कुछ कुछ क्वेश्चंस निकल जाएंगे और बाकी तुमसे जो भी होगा तुम वो कर लेना, लेकिन जो करो वो पूरे तरीके से करना, अपना 100% दे के करना, ओके. और जहाँ तक बात है तुम्हारे PYQs की, वो तो कंटिन्यू रखने ही रखने हैं तुम्हें. अभी टेस्ट वेस्ट जो है सॉल्व करने हैं, कोई भी मेजर मिस नहीं करना. तुम्हें आता हो ना आता हो तुम मेजर दे के आओगे, ठीक है. और स्कोर की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अभी 3 महीने पड़े हैं यार. स्कोर की टेंशन लेने का लास्ट मंथ होता है, ठीक है. अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेके कुछ होगा भी नहीं. बट जैसे ही टेस्ट दे के आओ, तुम्हें आते ही क्या करना है, एनालाइज करना है कितने क्वेश्चन छोड़े, कितने क्वेश्चन नेगेटिव हुए. कुछ जो बहुत ही आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन डालते हैं ये LN आकाश की जो भी टेस्ट सीरीज में होंगे, उनको देख के बिल्कुल मत घबराना भाई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो. नहीं, यू हैव टू गोल फॉर द ईजी 43 questions, ठीक है. जो बचे हुए 2 जो रैंक डिसाइड करते हैं ना, वो नहीं भी होगा तो भी तुम्हारे 170 कहीं नहीं गए, ओके. तो टारगेट ये है, मॉक्स देने हैं, कोई मिस नहीं करना, अंडर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है. खाना पीना सोना मत छोड़ देना इस चक्कर में, ठीक है, टेंशन के मारे. और जब भी टेस्ट दे के आओ, वो जो कि देना है तुम्हें, डरना नहीं है टेस्ट से यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता. घर वाले 4 गाली दे देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई तुम्हें, ठीक है. दोस्तों से अच्छी बना के रखो बात बात थोड़ी, मतलब जितना तुम्हारे पास टाइम हो, ऐसा नहीं सिर्फ सारा उनके साथ डिस्कस करो भाई तेरे क्या वीक पॉइंट्स है, क्योंकि जो कॉमन वीक पॉइंट्स होते हैं ना वो सेम होते हैं. जैसे डी ब्लॉक था मेरा, ठीक है, डी ब्लॉक मेरे को नहीं पता था, ये मुझे नहीं आता, बट मेरी फ्रेंड ने आके मेरे सामने डिस्कस किया और वो ताज़ा पढ़ के आई थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता यार. तो मैं टेस्ट दे के आई, आके जनरली 2-3 घंटे सोते हैं बच्चे, आराम करते हैं, मैं भी करती थी, लेकिन उस दिन भाई इतना प्रेशर होगा कि यार पेपर को तो 1 महीना बचा, मुझे तो डी ब्लॉक का कुछ भी नहीं आता. शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दो आज से, 1st of February है ये इनिशिएशन, प्लीज़ ले लो, उसके बिना कुछ नहीं होगा. फिजिक्स का मैंने कुछ टॉपिक्स का बता दिया था कैसे कैसे करना है, ठीक है. बायो में NCERT है, उसके अलावा शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट फिजिक्स के बना लो, केमिस्ट्री के बना लो, ठीक है. इनऑर्गेनिक के बना लो, इनऑर्गेनिक बारी बारी रिवाइज चलती रहेगी, और ऑर्गेनिक के तो शॉर्ट नोट्स ही काम देंगे तुम्हें, ठीक है. NCERT पढ़ ही रहे हो तुम, लाइन टू लाइन ये याद होना चाहिए भाई तुम्हें कि कौन से पेज पे कौन सा वो चल रहा है. जैसे कि मतलब अलग अलग टाइप की होती है ना रिएक्शंस बाय नेम, जैसे बहुत ही फेमस होती है, मान लो है ना कि फिनॉल वाली, ये वाली रिएक्शन, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा मुंह पे, पर एक बड़े सारे पेज पे 2 ही रिएक्शन थी, तो पता होना चाहिए कि पेज के कौन से साइड पर कौन से पेज में है, ठीक है. तो वापस रिपीट कर देती हूँ, मेन मैं तुम लोगों से क्या चाहती हूँ कि तुम टेस्ट दो, टेस्ट स्किप मत करो,
डरो मत, घबराओ मत, अपनी शरीर पे फोकस करो भैया, रोज जूस पियो, रोज घूम के आओ, ठीक है। और अपनी मनपसंद का जो भी तुम्हारा गाना पसंद है तुम्हें वो सुनो, जो सीरीज पसंद है देखो, अभी आधा घंटा एक घंटा तुम देख सकते हो, पर बाकी के टाइम जेन्युइनली बैठ के पढ़ना है तुम्हें, शॉर्ट नोट्स मिस ही नहीं करने। मेरे जैसे घोचू हो तो बना के ऐसे दीवार पे चिपका लो यहाँ पे, ठीक है, हॉस्टल की दीवार है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। और घर वाले अपना देख लो कि कैसे करना है, बट छोटे छोटे चैप्टर है केमिस्ट्री के लास्ट वाले, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। मुझे नहीं पता अभी हट गए तो, बट उनका एक पेज पे सारा चैप्टर उतार दिया, कैसे, पहले यूट्यूब खोला, यूट्यूब के की दो तीन वीडियोस देख ली, दो तीन तीन चार वीडियोस देख ली, पूरा समराइज हो गया। तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं भाई, वो चैप्टर पहले यूट्यूब से देख लो, एक बेस बन जाएगा, फिर चैप्टर खोलो, पढ़ लिया। अब एक ही पेज पे मैं उसकी सारी समरी उतार के अपने बाथरूम में चिपका लूंगा और फ्री टाइम में देखूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है, टाइम तुम्हारा है, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस वर्ल्ड इज योर टाइम। और अभी जो टाइम है ना, वो तुम्हें चढ़ा भी सकता है और उतार भी सकता है, ठीक है। तेरे 570 है तुझे कुत्ता नहीं पूछेगा, 580 है तो भी नहीं पूछेगा, 590 पे भी नहीं पूछेगा आज के टाइम में। राजस्थान का तो जो मैं बता दूँ, 599 वाले को गधा नहीं पूछता वहाँ पे, ठीक है। अरे भाई, हमारे 630 वालों को एकदम नए कॉलेजेस मिले हैं, उनको भी पुराने नहीं मिले। तो तेरी 570 580 वाली मेहनत कोई नहीं देखेगा, ठीक है। अगर तेरे 600 प्लस आ रहे हैं, अच्छा स्कोर आ रहा है कि तुझे कॉलेज मिल जाए, तभी तेरी वाह और तेरी पूछ होगी। और अपने को आता क्या भाई, पीसीबी के अलावा अपन को क्या आता है? गधा मजदूरी कर लोगे, लोगों के साथ माथा कपाई कर लोगे? अगर कर सकते हो तो छोड़ दो पढ़ाई, और अगर नहीं कर सकते, सिर्फ आता ही ये है, तो भाई इसमें मेहनत डालो ना, PYQs करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, और टेंशन लेने से घंटा कुछ नहीं होगा। तू लेके देख ले भाई, तेरा एक महीना बर्बाद हो जाएगा और कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। वीडियोस वगैरह देख, बहुत सारे भाई बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे। मैं तो खुद कल देख के ऐसे हो गया कि यार इतना सिंक्रनाइज मेरे से तो नहीं बताया जाता, मैं तो रैंडम, अभी मुझे जाना है क्लास और उससे पहले मैंने सोचा आई शुड मेक अ वीडियो। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, तीन महीने कुछ नहीं करना भाई, घर वालों के आगे दुख रो लो, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आराम से अपनी NCERT पढ़, मॉर्फो वॉर्फो पढ़, फैमिलीज पढ़, एक बार नहीं समझ आएगा, दो बार नहीं समझ आएगा, जब तू 10 बार ही तो 108 बार ही तो हनुमान चालीसा पढ़ लो यार, तो यहाँ पे कंठस्थ हो जाती है ना। तो उन चैप्टर्स को टाइम दे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, छोटे छोटे डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे चैप्टर है, ये कर लोगे बायो स्ट्रांग हो जाएगी, थोड़े से PYQ सॉल्व कर लो, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझो चैप्टर्स के, उनको टाइम दो। जिस चीज जो चीज तुम्हें अपनी बनानी है, हमारे एक ऑर्गेनिक के टीचर बोलते थे RD सर परफेक्ट में, कि जिस भी चीज को अपना बनाना है उसे टाइम देना पड़ेगा। एग्जाम्पल लड़कों को तो पता ही है भाई, पटानी है, टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए कुछ नहीं होने वाला है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी टाइम देना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक बहुत ही अच्छी पढ़ाते हैं कई कई टीचर्स, ठीक है, और बहुत ही अच्छे, जैसे हमारे शायद नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उन सर का, इनऑर्गेनिक जो स्पार्क बैच के थे, उन्होंने सेम वैसे ही पढ़ाई जैसे सहारन सर ने LN Seeker में पढ़ाई थी, ठीक है। तो यार ट्रिक्स बनाओ चीज़ों की, उसको मज़ा लेके पढ़ो, क्योंकि पढ़ना अल्टीमेटली है भाई, सरकारी हॉस्टल मिलता है, फ्री में रहना है वहाँ पे, ठीक है। तुम स्कोर निकालो, काउंसलिंग मैं करवाऊंगी तुम्हारी, मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे काउंसलिंग करनी है, तुम्हें कौन से राउंड तक खेलना है, फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में कॉलेज लेके बैठ के। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ, बट आई वॉन्ट गुड responses फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आई विल मीट यू soon, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, बट आई वॉन्ट यू नॉट टू पैनिक, प्लीज़, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, डरो मत, घबराओ मत, चिल रहो, पर अपना काम करो। बायो के मैं तुम्हें टारगेट देती हूँ डेली के, कम से कम 3 चैप्टर तुम NCERT से पूरे पूरे पढ़ोगे, एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ में, केमिस्ट्री में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों का एक एक चैप्टर तुम शॉर्ट नोट्स देखोगे उसके और बनाओगे, ठीक है। चैप्टर में आके तुम्हें बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बता दूंगी, या तुम अपनी मर्जी से कोई भी चैप्टर चूज कर लो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो तीनों सब्जेक्ट्स के, ठीक है। और फिजिक्स में भी कोई एक चैप्टर ही कर सकते हो तुम, जब मैं तुम्हें एक दिन का इतना टारगेट देके जा रही हूँ, ठीक है, तुम अपने हिसाब से उस चीज़ को कम भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो आप एक चैप्टर उठाओ, जैसे फिजिक्स का एक चैप्टर काफ़ी समझने वाला, काफ़ी लंबा होगा, तुमसे एक दिन में नहीं होगा। फोकस ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी राइट नाउ। आई विल टेल यू द ऑपोजिट ऑफ दिस आफ्टर 2 months, बिकॉज यू डोंट हैव द इनफ टाइम, बट राइट नाउ यू हैव नो सपर टाइम, बहुत ही टाइम है तुम्हारे पास में, एकदम रिलैक्स होके करो भाई, और तुम्हारा 101% होगा। एक स्टोरी सुनाऊंगी मेरे ही बैचमेट्स की,
जब हम कोचिंग करते थे कि हाउ मच एनसीईआरटी एंड इजी स्टडी इज इम्पॉर्टेंट टू क्रैक नीट. यू डोंट नीड टू हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ आईक्यू टू डू दैट. यू जस्ट नीड टू डू हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इज द की. ठीक है, ये चीज़ जो एनसीईआरटी करते हैं ना टॉपर्स, वो ऐसे ही नहीं करते. All you need to do is just to focus on your NCERT. Okay, so I'll meet you in the next video. Till then, you have to give me good reports. Selection तुम्हारा होगा, वाहवाही तुम्हारी होगी, और अगर बेइज्जती हुई तो वो भी तुम्हारी होगी. ठीक है, और इतनी मेहनत करी है जो उसको वेस्ट मत जाने दो प्लीज़. बाद में जो रिग्रेट होता है ना, वो बहुत गंदा होता है. तुम रिलैक्स कर लोगे, सो लोगे, घूम लोगे, फिर लोगे, दोस्तों के साथ बातें कर लोगे, पर वो रिग्रेट तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा. तो प्लीज़, मैंने ये चीज़ देखी है, एक से ज़्यादा बार देखी है, इसलिए बता रही हूँ, मेहनत तुम्हें करनी ही पड़ेगी लास्ट टाइम में. तो इसीलिए बाद में करने से पहले आज ही क्यों ना कर ले.